इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करेंट अकाउंट ओपनिंग के बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखिए। आई एम मनोज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं वो आपकी मदद करेगा करेंट अकाउंट खुलाने में, भारत के किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में। तो ये आप बिल्कुल ना सोचे कि आप करेंट अकाउंट किस बैंक में खुलाने वाले हैं। अब करेंट अकाउंट खुलाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एक्स बैंकर हूं। जब मैं बैंक में था उस समय मेरा स्पेशलाइजेशन था करेंट अकाउंट में, तभी मैंने करेंट अकाउंट के बारे में सीखा है। तो अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना है किसी भी बैंक में, तो सबसे पहला सवाल आदमी के मन में होता है कि क्या चार्जेस लगेंगे। भारत के किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आपको एक अकाउंट ओपनिंग चेक देना होता है करेंट अकाउंट खुलाने के लिए। तो करेंट अकाउंट ओपनिंग चेक जैसे आपने दिया, तो हो सकता है कि पहले जो है बैंक डेबिट कर ले आपके करेंट अकाउंट से जो भी अकाउंट ओपनिंग चेक का अमाउंट है वो अमाउंट, या फिर हो सकता है कि पहले करंट अकाउंट खोल ले फिर डेबिट करें। मतलब या तो चेक जो है वो अमाउंट डेबिट कर लेगा, फिर करंट अकाउंट खोल दे, उसके बाद आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा जितना भी अमाउंट था अकाउंट ओपनिंग चेक में, जो भी अमाउंट था वो। दूसरा है कि अकाउंट ओपनिंग चेक उसने ले लिया है, करंट अकाउंट जो है वो खोल लिया, इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चेक जो है उसका जो भी अमाउंट है उतना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और इसमें क्रेडिट कर लेंगे। तो आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा कटा आपके करेंट अकाउंट में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस आपको नहीं लगे करेंट अकाउंट खुलाने में, बस आपके सेविंग्स अकाउंट में जो अमाउंट था वो डेबिट हुआ, चेक पर जो अमाउंट आपने भर के दिया उसके बाद आपके करेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। या अगर पुरानी कंपनी है, पुराना जो करंट अकाउंट है उसमें से आप अकाउंट ओपनिंग चेक देंगे बैंक को, तो वो नया करंट अकाउंट खोलेगा, इसके बाद पुराने करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसमें से अकाउंट ओपनिंग चेक का जो अमाउंट है वो डेबिट होगा और नए करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको चार्जेस नहीं लगे हैं करंट अकाउंट खुलाने में, लेकिन मंथली एवरेज बैलेंस जो भी आपके करंट अकाउंट में है मैं रिकमेंड करूंगा उससे कुछ ज्यादा अमाउंट आप दे दें, क्योंकि आपको एटीएम इशू कराने में चार्जेस लगेंगे, कंसोलिडेटेड चार्ज हो सकता है लगेंगे, इसके बाद जो है चेकबुक इशू कराने में चार्जेस लगेंगे, एसएमएस के चार्जेस लगेंगे, तो ये चार्जेस आपको लगेंगे। इसीलिए मंथली एवरेज बैलेंस जो भी कमिटेड है उसे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आप दे दें। तो आपको करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं लगे, लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं जो कि चार्जेबल है बैंक की तरफ से उसमें चार्जेस लगेंगे। तो करेंट अकाउंट खुलाने में चार्जेस नहीं है, लेकिन अदर चार्जेस हैं। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली तीन तरह का होता है, हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब मैं बता दूंगा इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये बात है। तो तीन तरह के वेरियंट होते हैं करेंट अकाउंट का। पहला, आप जिस सिटी के ब्रांच में करेंट अकाउंट खुला रहे हैं उस बैंक की जो भी ब्रांचेज हैं आसपास के शहरों में वो भी सर्विस देंगी, और जहां पर आपने खुलाया उसको तो देना ही देना है। ये पहला टाइप का करंट अकाउंट हो गया। दूसरा तरह का करंट अकाउंट है कि आप किसी भी बैंक में किसी भी सिटी में करंट अकाउंट खुलाएंगे, पूरे भारत की जो ब्रांचेज हैं वो बेस ब्रांच होंगी आपकी ऑफिशियली। तो जिस किसी बैंक में आपने खुलाया है और जिस किसी सिटी में खुलाया है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पैन इंडिया जो है उसमें जो ब्रांचेस हैं वो सब सर्विस देंगे आपको, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज छोड़ के। तो ये ऑफिशियली कहा जाता है, रियल बात ये है जिस ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट खुलाया है वही सर्विसेज देंगे, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो टालने की कोशिश करेंगे कि किसी और ब्रांच का कस्टमर है उसको हम सर्विस क्यों देंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ऑफिशियली पैन इंडिया की जो ब्रांचेस है वो बेस ब्रांच है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज जो सारी ब्रांचेस देंगी। इसका तीसरा तरह का करेंट अकाउंट होता है जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए खुलाया जाता है।
इसका सब कुछ अलग होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंट अगर आपको खुलाना है तो सबसे पहले आप ये क्वेरी कर लीजिए कि जिस किसी कंट्री के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में ये बैंक सर्विस देगा कि नहीं देगा, क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो कि कंजर्वेटिव है, वो कुछ देशों को ब्लैकलिस्ट करके रखती हैं कि इस देश में हम सर्विस नहीं देंगे। तो ये पहले आप कंफर्म कर लें कि इस देश में ये बैंक सर्विस देगा कि नहीं देगा, इसके बाद ही करंट अकाउंट खुलाएं। और अगर आपकी कंपनी या फर्म जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी या फर्म है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपने रजिस्टर कराया है, तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि आपकी कंपनी या फर्म इनकॉर्पोरेट होने के साथ ही आपको करंट अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर वर्क नहीं होगा, पेपर वर्क सारा होगा, लेकिन करंट अकाउंट नंबर जो वो साथ ही साथ मिल जाएगा। तो अगर आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं या रजिस्टर करा चुके हैं, दोनों ही केसेस में करंट अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। तो अगर करंट अकाउंट रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आप पहले तय कर लीजिए कि किस बैंक में, किस ब्रांच में आपको खुलाना है। और अगर आप खुला चुके हैं तो ये पता कर लीजिए कि किस बैंक में आपको खुला है। अगर आपके शहर के ब्रांच में नहीं भी खुला है तो उसे आप ट्रांसफर करा सकते हैं अपने शहर के ब्रांच में, इसका पेपर वर्क दे करके आप एक्टिव करा सकते हैं अकाउंट। आप अगर चाहे तो किसी और बैंक में भी करंट अकाउंट खुला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो करंट अकाउंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने खोल के दिया वही आप यूज करें, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो पेपर वर्क यहां पर भी होगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पेपर्स आपको देने होंगे करंट अकाउंट खुलाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट का। लाइफ में कभी भी कोई भी करंट अकाउंट खुलाना होगा तो ये चेकलिस्ट आपको काम आएगा और करंट अकाउंट खुलाना बिल्कुल पानी पीने जितना आसान हो जाएगा। इसके अलावा करंट अकाउंट आप खुला कैसे सकते हैं, पहला तो ये मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने खोल लिया, दूसरा है कि आप जो है लोकल जो भी ब्रांच है वहां वॉकिंग कीजिए और कहिए हमारा करंट अकाउंट खुलाना है, बाकी का प्रोसेस वो देख लेंगे। और प्राइवेट बैंक में जाएंगे वो तो भाग भाग के खोलेंगे कि सर हम ही से खुलेगी, एक बार बस कह के देखिए, वो कहेंगे हम ही से खुलेगी। तो ये प्राइवेट में फायदा है। पीएससीज में क्या है, वो बड़े नर्म मिजाज होते हैं कि अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दैट्स व्हाई पीएससीज में करेंट अकाउंट बहुत कम खुलते हैं, लोग नहीं खुलाना चाहते, खुलाना ही मुश्किल होता है, उतना फॉर्म भरो, पेपर वर्क करो, बहुत मुश्किल होता है। प्राइवेट वाले तो कहते हैं सर हम कर देंगे सब कुछ, आप बस चेक जो है वो दे दीजिए और साइन कर दीजिए। तीसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन खुला सकते हैं। तो अब ऑनलाइन में क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि ये नया नया आया है तो पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जो करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट में मेंशन है वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, इसके अलावा कुछ सिंपल फॉर्म्स होंगे वो आपको भरने होंगे, दो तीन फॉर्म्स जो है वो लेटर हेड पे चाहिए होंगे, वो बहुत आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, वो सुनने में मुश्किल लगता है, बहुत आसान होता है। तो लेटर हेड पे दो तीन फॉर्म लेंगे और कुछ सिंपल फॉर्म्स होंगे वो आपसे भराएंगे, चाहे सॉफ्ट कॉपी भराए या हार्ड कॉपी भराए, इसके बाद सब कुछ जो है आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। तो डीवीयू टीम जो है, डेटा वेरिफिकेशन यूनिट, वो देखेगी कि सारा डेटा सही है, उसके बाद वो करंट अकाउंट खोल लेगी। तो ऑनलाइन में प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब ये नया नया आया है, अभी इसमें चेंजेस होंगे और सब तरह के अकाउंट जो है वो इसमें नहीं खुल रहा है, इसीलिए पक्की जानकारी जो वो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट जो है वो अभी फॉरन ऑर्डर कर लें।